पैसा नहीं रह गया यार। बहुत दुख की बात है कि मेरे जेब में ना बिल्कुल भी पैसा नहीं रह गया है। बट कोई बात नहीं, मेरी धन्नो रानी मेरे साथ है। ये यार पता नहीं क्या चक्कर है ना, जब से ये आई है दुख तो होता है और गम भी बहुत सारे आते हैं, बट खुशियाँ भी बहुत सारी आती है। रीज़न क्या है, ये मुझे कमा के भी बहुत देती है, मेरी जान बचाती है और ये काफ़ी हद तक मेरे को समझती है। हाँ एक बात है, जैसे अपनी बीवी नहीं होती है, नखरे वाली होती है और पैसा खर्चुली होती है, बट जब हमारे जान पे बात आए तो भगवान से लड़ जाती है। वही हाल इसका है। देख सकते हैं बिल मिल चुका है मुझे, जो कि मैंने 1145 रुपये पे किया। और ये जो कूलेंट वगैरह, मतलब कि जो सिस्टम था कूलेंट का, इन लोगों ने पैसा नहीं लिया और बाकी चीज़ों का लिया, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने इन लोगों से बोला कि भाई ये भी कम कर दो, तो ये बोलने लगे कि सर एक्चुअली ये लगेगा ही लगेगा। बट पिछली बार जब मैंने करवाया था तो ये भी पैसे नहीं लगे थे। चलो बट अब क्या बहस करना यार, ये लोग भी काम करते हैं, इन लोगों के आगे कितना बहस किया जाए। बट कोई बात नहीं, कोई रीज़न नहीं। और देख सकते हैं सामने महिंद्रा दिख रहा है, अपना शोरूम है। और ये पीछे मेरा चैसिस नवी लग चुकी है, तो भाई गुड न्यूज़, अपना चैसिस लग चुकी है फाइनली। अब यहाँ से निकलते हैं और डाला लगवाएंगे कल सुबह मॉर्निंग में, तो पहले यहाँ से निकला जाए। दोस्तों देख सकते हैं महिंद्रा शोरूम से मैं अभी निकल चुका हूँ। एक्चुअली मैंने अंदर इसलिए वीडियो नहीं बनाया था, आप लोग को पिछली वीडियो में मैंने समझाया कि आखिर क्या रीज़न है मैं क्यों नहीं वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ पे ये फ्लाईओवर के नीचे ना पुलिस खड़ी है, तो पहले मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। पीछे से पुलिस खड़ी होती है, वहाँ से निकल चुका हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ रीज़न क्या हुआ, मुझे क्यों इतने 1145 रुपये देने पड़े। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये भी नहीं देने पड़ते। रीज़न ये है ना कि मैंने सर से खुल के बात नहीं की थी और ना ही सर ने मुझे बताया था, जो भाई अंदर से जिनसे बात हुई थी, जिन्होंने मेरा चेसी चेंज करवाया है, भाई पहले तो उनको थैंक यू, जो मेरी वीडियो कभी भी देखेंगे तो उनको ये रहेगा कि मैंने थैंक यू बोला है। बट सर यार मुझे ये 1125 रुपये चुभते नहीं, या आप लोग मुझसे 3000 भी ले लेते तभी भी चुभते नहीं। पर रीज़न है आप लोग जो पहले बता देते तो, बट अब आप लोगों ने बताया नहीं था और उसके बाद मुझसे लिया गया है, तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बट कोई बात नहीं, तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि अपनी गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ। एक मिनट बस आप बने रहे वीडियो में। सबसे पहले तो इन लोगों ने पूरा मेरा डाला डूला खोल दिया। डाला मैंने बाहर से खुलवाया था, आप लोगों को पता ही है मेरा 3000 रुपये लग गया था। और प्लस मैंने कमानी का जो काम करवाया है, क्योंकि उसके अंदर जो ना पहले मैंने ग्रीस वाला डलवाया था, तो कंपनी के थ्रू ना वो बुश आ गया था, जिस कारण मुझे पहले जैसे फिर करना पड़ गया। तो वो मेरा 850 का सामान और 500 रुपये मैंने उसको लेबर दिया, जो बंदा मेरे साथ आया था पट्टे कमानी वाला, तो टोटली वो 1300 रुपये वो लग गया। और यहाँ पर अभी मैंने 1145 रुपये जस्ट अभी पे करके आया हूँ फोन पे से। और ये देख सकते हैं सामने बिल है, जो इस पे आप लोग को दिख रहा होगा। सो कोई बात नहीं। और दोस्तों आप सबको सबसे पहले तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम सभी भाइयों को। तो आप लोग एक बात बताइए मुझे, क्या ये सही हुआ है मेरे साथ? 1145 रुपये ठीक है इतना देना, बाकी अब गाड़ी भाई एक नंबर चल रही है, ब्रेक व्रेक वगैरह सब कुछ सही लग रहा है। और पीछे देख सकते हैं बिल्कुल अपना चेसिस जो नवा है। बट एक ही चीज़ की डाउट है यार, एक चीज़ का प्रॉब्लम है भाई लोग, और वो है चेसिस का। जो चेसी है जो अपनी, उसके अंदर ना बिल्डिंग बहुत कम की गई है, जो कि मुझे अच्छी बात नहीं लगी। और मैंने आप लोग को बताया नहीं कि मैंने अंदर वीडियो क्यों नहीं बनाया। अंदर वीडियो ना बनाने का रीज़न यही है कि भाई वो लोगों ने साफ साफ बोला था मेरे को, सर ने, जिस सर ने मेरा पास करवाया है ये, वो सर ने बोला था कि देखिए सर जो आप वीडियो बनाते हो और वो महिंद्रा कंपनी देख लेती है तो हमें अपना जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि वो ये बोलते हैं कि आपके रहते हुए वहाँ पे कोई कैसे वीडियो बना सकता है, क्योंकि अलाउड नहीं होता है ना वीडियो बनाना। तो सो गाइस इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, और यार वीडियो बनाना कुछ खास नहीं है। बाकी आप लोग बताइए क्या मैंने सही किया चेसी चेंज करवा के, कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट कर दीजिए। और मुझे यार, मुझे पहले थोड़ी देर पहले लग रहा था ना कि मेरे को बेल्डिंग ही करवा लेना चाहिए था, पर चलो जैसे भी हुआ सब कुछ हो गया। ब्रेक ऑयल अपना क्या कहते हैं, ब्रेक ऑयल हो गया और स्टेयरिंग ऑयल हो गया और कूलेंट हो गया, ये सब कुछ ही नवा पड़ा है, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। सब कुछ महिंद्रा ने मेरे को बिल्कुल ही नवा करके दिया है। उनका कहना ये है कि जो एक बारी गाड़ी के अंदर से निकल गया उसको दोबारा रिफिल नहीं करना है। सो बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने समझाई और मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है, कैसे ब्रेक टाइट करते हैं, हैंड ब्रेक का कहाँ पे वायरिंग होती है, सब कुछ पता लगा मुझे। सो गाइस ये सब बातें मैं आप लोगों को बताते रहूँगा, और काफ़ी खुशी की बात है
सबसे पहले तो यार इतना बड़ा काम करवा दिया इतना फ्री का, 1.5 लाख की 1 लाख की वो लोग बता रहे थे चासी है, बट एक प्रॉब्लम पड़ गया दोस्तों, इसके अंदर ना चैसी नंबर पिन नहीं हुआ, तो पिन करेंगे अब देखते हैं कब होगा, क्योंकि उनके पास जो पिन है ना वो हुआ नहीं, हार्ड था इस कारण। बाकी ये भाई मुझे पता नहीं क्यों देख रहा है मैं कह लिया उसी की वीडियो बना लेते हैं सो पिन हुआ नहीं है चैसी नंबर, बट वो सर बोल रहे हैं सवेरे तक करवा देंगे, जब भी करवाएंगे तो फ़ोन कर देंगे मैं चला जाऊंगा, क्योंकि यार पिन करवाने के चक्कर में ना, जैसे कि नंबर लिखने के चक्कर में काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है, इसलिए फिर मैंने बोला कि यार नहीं सर मैं डाला डूला लगवाना है मुझे, कि भाई मेरे को मेरी गाड़ी दो, मैं डाला डूला फिट करवा के अच्छे से गाड़ी करके अपना ओके रिपोर्ट करके आप जब भी बोलोगे तब भी आके मैं अपना चैसी नंबर करवा के चला जाऊँगा जो आपके पास सिस्टम रहेगा। तो ये सब बात हुई, अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं घर पर, और गाड़ी का कल सवेरे डाला लगेगा तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। सो आप लोग को डाला भी इसी वीडियो में कवर करूंगा, और एक दो दिन लग जाएंगे आप लोग को वीडियो शायद लेट पहुँचे। और ये मैं आप लोग को एक चीज़ मेन बात तो बताना भूल गया दोस्तों, मैंने गाड़ी दिया था 26 तारीख को और आज है 3 तारीख, तो दोस्तों अपने को 4 और 3 मतलब कि आज 3 तारीख है, आज इन्होंने गाड़ी दी है तो मतलब टोटली 6 दिन लगाया, तो काफ़ी अच्छी बात है यार, महिंद्रा के लिए 1 लाइक तो बनता है भाई, लोग 1 लाइक कर दो और कमेंट में बताओ आप लोग जाके कमेंट कीजिए क्या मैंने चैसी चेंज करवा के बिल्कुल अच्छा किया कि नहीं। और मेरे को एस्टिमेट मैं लगा रहा हूँ अभी, मेरे को 500 रुपये वो देना पड़ेगा, मतलब 3000 रुपये उधर और 3000 रुपये वो और 1100, टोटली मेरा 3 हो गए, 3001 और 1301 और ये 1101, 5 साढ़े 5 6 हज़ार रुपये लग चुके अपने आपके भाई का। तो कोई बात नहीं यार दोस्तों, इतना तो लगता ही है, जो बिल्डिंग करवाता तभी भी इतना लगता, और थोड़ा सा मेरा टाइम भी बेकार हुआ 6 दिन का, बट इतना चलता है दोस्तों। अपने को चैसी तो नवी मिली और काफ़ी अच्छा काम किया है, और आप लोग को एक बात बता देना चाहूँगा कि इंजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इंजन को साफ सुथरा इन लोगों ने निकाला था, ठीक है, इंजन को साफ सुथरा इन लोगों ने निकाला था। तो सो गाइस आप लोग ये बहम निकाल दीजिएगा कि अपने इंजन के साथ कोई प्रॉब्लम होगा, ये देखो क्या बेवकूफ़ी गाड़ी चला रहे हैं भाई यार, मेन रोड में रोक दिए बेवकूफ़, कहेंगे इडियट। आप लोग बताओ दोस्तों, जो लोग ऐसे रुक जाते हैं उस पर गुस्सा आता है कि नहीं आप लोग को। सो गाइस बने रहो वीडियो में, सो कल मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों को और बताता हूँ फिर अपनी दुख भरी कहानी। बाकी यार आपके आवाज़ कहाँ से आने लग गया, इधर से आवाज़ आने लग गया। सो दोस्तों आप लोग को एक और दुख भरी कहानी बतानी है कि आपके भाई के पास पैसा नहीं रह गया यार, बहुत दुख की बात है कि मेरे जेब में ना बिल्कुल भी पैसा नहीं रह गया है, बट कोई बात नहीं, मेरी धन्नो रानी मेरे साथ है। ये यार पता नहीं क्या चक्कर है ना, जब से ये आई है दुख तो होता है और गम भी बहुत सारे आते हैं, बट खुशियाँ भी बहुत सारी आती है। रीज़न क्या है, ये मुझे कमा के भी बहुत देती है, मेरी जान बचाती है, और ये काफ़ी हद तक मेरे को समझती है। हाँ एक बात है, जैसे अपनी बीवी नहीं होती है, नखरे वाली होती है और पैसा खर्चुली होती है, बट जब हमारे जान पे बात आए तो भगवान से लड़ जाती है, वही हाल इसका है। ये पीछे पुलिस खड़ी थी जिस कारण मैंने हेलमेट कह रहा हूँ, सीट बेल्ट लगाया कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। बाकी ये देख सकते हैं, ये हमारा चलता फिरता नहर है जिसमें हम लोग गाड़ी भी चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे जो लुधियाना है ना ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है सब शहरों से आगे, कि यहाँ पे हमारी सरकारों ने ये बोला है कि आपको नहर प्रोवाइड कर देते हैं, उसके ऊपर आप गाड़ी भी चलाया करो ताकि आपकी गाड़ी साफ रहा करे अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पर बारिश होती रही है उससे पहले पानी भर जाता है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर भाई, बहुत बुरा हाल यहाँ पर, हर व्यक्ति प्रॉब्लम में है क्योंकि यहाँ पर पानी इतना भर जाता है ना भाई, साइकिल वाले तो बहुत दुखी हो जाते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों आप लोग को सुबह। सो आप सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम, और आप सभी को सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन करता हूँ आप सभी को मेरे चैनल पे, और आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, डाला लगवाने जा रहा हूँ, अभी सुबह के बज रहे 9:15, हालांकि 10 बजे से पहले डाला नहीं लगेगा, पर आपका भाई पहले आगे ही जाता है क्योंकि टाइम मेरा बचे, भाई किसी ने मेरे लिए आना, मैंने उसके लिए नहीं जाना, तो इसलिए फर्स्ट मुझे जाना पड़ेगा। और देन देख सकते हैं जो कूलेंट वगैरह पड़ा था इस कंपनी का पड़ा था, और
कूलेंट ये 307 रुपए का है एक, तो ये देख सकते हैं मैक्सिमाइल अल्ट्रा कूल लॉन्ग लाइफ रेडिएटर कूलेंट, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है महिंद्रा की तरफ से। और देन और चीज़ें भी जो पड़ी है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक मिनट हैंडल संभाल लूँ थोड़ा सा। और ये है मैक्सिमाइल डोट 3 ब्रेक फ्यूल है, देन क्लच फ्यूल है, मतलब इसी में क्लच वाला भी होता है, तो डाला गया है अभी इसके अंदर डाला गया था कल। और ये सब मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को इसलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और स्टेयरिंग ऑयल जो मेरे को मिला था इसलिए दिखा रहा हूँ, बाई चांस हमें कभी डलवाना रहे तो हम कंपनी का ही डलवाएं, ना कि कोई और कंपनी का। ये देख सकते हो महिंद्रा का मैक्सिमाइल हो गया पावर स्टेयरिंग फ्लूड, मतलब कि ये भी ऑयल ही है और ये भी 1 लीटर का है। 1 लीटर प्रॉपर नहीं पड़ा, अभी पड़ा है देख सकते, इतने सारा भी सामान पड़ा है 1 लीटर का, ये अपने पास कूलेंट पड़ा हुआ है जो कम पड़ेगा तो डाल देंगे, और थोड़ा बहुत इसके अंदर पड़ा है दूसरे वाले कूलेंट में। सो अब पहुंच चुका हूं ये देखो दाना मंडी में, जो लुधियाना में जो लोग होंगे उन लोग को पता होगा दाना मंडी कहाँ पर है। सो यहाँ पर एक ये अंकल है, यहाँ पर ये डाले का काम करते हैं, और सामने पड़ा हुआ है मेरा डाला बेघर सा, और यहाँ पर लगाते हैं साइड में, हाँ यहाँ पे लगा देते हैं। देन आप सभी को जब डाला लगेगा तो मिलते हैं। कितने गाड़ी खड़ी अपनी, और ये आ चुके हैं ये भैया जिन्होंने हेडरा लेके आया, ये यहाँ से उठाएंगे फिर इसके ऊपर रखा जाएगा। तो बने रहेगा इस वीडियो में, लगाते हैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। सो डल चुका देख लीजिए, फाइनली गाइस देख सकते हैं डाला लग चुका है, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया अपना, जैसे कि ये सारा टेढ़ा हो चुका है और काफ़ी गंदगी मच चुकी है डाले के अंदर, तो साफ करेंगे अभी घर पे जाकर। तो देख सकते हैं टाइट कर रहे हैं अंकल, टाइट करने के बाद लेके जाएंगे इसको। पूरा गजब लग रहा है आगे, इस बार बम्पर नहीं लगवा रहा हूँ, लोड ही नहीं है यार। सो गाइस यहाँ पे मैंने दिया 2000 रुपये और तेल भी खत्म ही है, तेल डलवाना पड़ेगा बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे दिया मैंने 2000 रुपये और क्या कहते हैं अपना, एक मिनट ब्रेक बड़ी हार्ड लग रही है यार, तो गाइज मैंने यहाँ पे दिया 2000 रुपये और 500 रुपये दिए मैंने डाले के, तो टोटल मेरे यहाँ पर लग चुके हैं 2500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये उस दिन मैंने दिया था डाले का, नहीं सॉरी हेडरा के जो क्रेन आई थी। भाई एक चीज़ तो सीखने को मिल गई आज के डेट में कि हार के आगे जीत है और टाइम वेस्ट करने के आगे भी जीत है। जो कई लोग कहते हैं टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं भाई टाइम वेस्ट करने से बहुत कुछ मिलने वाला है, बस आप टाइम वेस्ट करो तो सही। देखो भाई आपके सामने है, टाइम वेस्ट मैंने सबसे पहले किया, वो शायद वो वीडियो मैं नहीं डाला, तो जब मेरा इंजन में डीजल मिक्स होता था तो मैंने सिलेंसर चेंज कराया, उसमें पूरा 1.25 महीने लग गया। देन मेरे को कंपनी ने यार 12000 पे भी डाले थे, मैंने उनको बोला था कंफर्म मेरे को भाई मेरे को कुछ तो दो भाई किस्त देना है, तो जो वहाँ के GM है जो मेन वहाँ के सर थे नोवल्टी के, उन्होंने स्पेशली महिंद्रा से कॉन्टेक्ट करके मेल डाल के बोला कि भाई जो बंदा है वो गरीब घर से है कि भाई वो अपनी किस्तें कैसे भर सकता है, क्योंकि गाड़ी से ही तो हमने पैसे कमाने हैं, हमने तो गाड़ी से ही पैसे कमाने, मैंने ऐसे बोला तो बोलते सर कोई बात नहीं आप नो टेंशन रहो। तो उस टाइम मेरा सारा काम हो गया 1.25 महीने के अंदर, और देन उन्होंने मेरे को हेल्प भी किया किस्त भरने में, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस बार इन्होंने मेरे को 6 दिन के अंदर चैसी बदल के दे दी काफ़ी, मतलब कि इसीलिए यार मैं जो अपने कंपनी के बंदे हैं ना उनसे मैं बदतमीजी से नहीं बात करता, और रीज़न एक ही है कि यार देखो प्यार से जो काम हो सकता है ना वो पैसों से नहीं हो सकता है, और जो पैसे से हो सकता है काम वो प्यार से नहीं हो सकता है, पर हर जगह का अपना अपना वैल्यू है ठीक है। तो मैंने प्यार से उन लोगों से बात की, उन लोगों ने सारा काम किया, और भाई इससे ऊपर क्या है यार, उन्होंने मेरा चैसी 6 दिन में चेंज कर दिया, और चैसी का जो ऑर्डर था वो काफ़ी जल्दी आ गया। सो आप लोगों को मैंने सारा टाइम टू टाइम अपडेट देते रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है मेरी सारी वीडियोज़ में देखा ही होगा, और फाइनली अब सब कुछ ओके है,
बस एक ही काम कराना है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये काम कराना जरूरी है। मैं ये सोच रहा हूँ इसके पट्टे कम करवा के सस्पेंशन जो सोकर होता है वो लगवा दूं, जो पीछे लगा हुआ मैंने खोला हुआ, क्योंकि वो लग नहीं रहा पट्टे की वजह से, हाइट ऊपर है ना, तो इसलिए पट्टे अब डाल के ना इसका हाइट नीचे करेंगे, तो जिस कारण अपना सस्पेंशन काम करेगा। सो बने रहो गाइस वीडियो में, देखते हैं कैसे भी करके अपने गाड़ी को बचाना है, इसका चैसी टूटने नहीं देना है भाई, क्योंकि आखिर है तो चैसी वही मिली हुई है जो पहले लगी थी, क्योंकि सेम तो वही चैसी आई होगी, तो इसलिए जो उसमें प्रॉब्लम है तो इसमें भी रहेगा। तो इसलिए आज अब जो गाड़ी है ना मैं थोड़ा ध्यान से चलाऊंगा कुछ दिन तक, क्योंकि अपना सारा सामान खुला था इसलिए बहुत ध्यान से चलाना है। सो गाइज आप लोग बताइए क्या आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, आखिर आपके भाई ने चैसी चेंज करवा ही दिया है, काफ़ी भाई दिक्कत सहनी पड़ी, प्रेशर होता है दिमाग पे यार, बिल्कुल प्रेशर होता है, बट कोई बात नहीं। सो गाइज इसी तरीके के वीडियो मेरे पास आते रहेंगे, जो लाइफ में मेरे जो भी होगा वो मैं आप लोग को बताते रहूँगा, पर इसमें यार थोड़ा सा एक कमी लग रहा, मुझे ब्रेक ना थोड़ा सा कम लग रहा है, ब्रेक को थोड़ा ब्रेक ना पूरा दबाओ तब लग रहा है, ब्रेक को दिखाना पड़ेगा क्या चक्कर है, ब्रेक क्यों नहीं लग रहा। सो ये सब बातें हैं दोस्तों, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज, खुदा हाफिज, वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय हो, आप सभी सेफ रहो, सतर्क रहो और अच्छे से रहो, मैं यही दुआ करता हूँ, और आप लोग की दुआ बस इतनी रहे यार, बस मैं पैसे कम कमाऊँ चलेगा, बस मेरी गाड़ी ना खराब हो यार, बस आप लोग ये दुआ कर दीजिएगा प्लीज़ यार, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को मैं कैसा लगता हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं हूँ, जो आप लोग सोचते होंगे कि सूरज भाई हाई फाई है, नहीं, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई अपना घर दिखाओ, तो सो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर लुधियाने के अंदर रेंट पर रहता हूँ और अपना मकान नहीं है, सो जिस दिन अपना मकान होगा भाई ज़रूर दिखाऊँगा आप लोगों को, और भगवान की कृपा बनी रही तो हो जाएगा यार अपना मकान, और आप लोग का बस प्यार सपोर्ट चाहिए, आप लोग जितना भी मुझे सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के पास पहुंचाओगे, जो आपके दोस्त ड्राइवर हैं उनके पास और किसी के पास शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, आप ये बताओ जो जो बंदा मोटरसाइकिल का शौकी होगा आप उसको भेजोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। सो ये सब बातें हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मिलते हैं किसी और वीडियो तक, बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।